वेद जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसको आप अंग्रेजी में नॉलेज एंड हिंदी में ज्ञान कहते हैं, और अगर इसके डेरिवेशनल मीनिंग की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इट इज द फाउंटेन हेड एंड लिमिटलेस स्टोर हाउस ऑफ ऑल नॉलेज। और अगर हम लोग वैदिक मैथ्स की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति भी वेद ही है। वैदिक मैथ्स 16 सूत्रास 16 सूत्र एंड 13 सब सूत्र 13 सब सूत्रों पर आधारित है जो कि अथर्ववेद के परिशिष्ट से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, रीडिस्कवर किया गया है। और वो रीडिस्कवर करने वाले थे जगत गुरु स्वामी श्री भारती कृष्णा तीर्थ जी महाराज। वो पुरी के गोवर्धन मठ में शंकराचार्य भी रहे। अगर उनकी प्रतिभा की बात की जाए, उनके क्षमता की बात की जाए, तो आप एक सिंपल सेंटेंस में कह सकते हैं कि इट वॉज द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोबिंग इनसाइट एंड रिवीलिंग इंट्यूशन ऑफ अ योगी विद एनालिटिकल एक्यूमेन एंड सिंथेटिक टैलेंट ऑफ अ मैथमेटिशियन। वो एक विलक्षण प्रतिभा थे। उनकी क्षमता का अंदाजा आप एक उनकी उपलब्धि से लगा सकते हैं कि सिर्फ 20 साल के एज में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी, वो भी 7 सब्जेक्ट्स में एक साथ फर्स्ट क्लास वाली पोजीशन के साथ। तो कहते हैं उन्होंने ये जो 16 सूत्र एंड सब सूत्र जो उन्होंने रीडिस्कवर किए, रिकंस्ट्रक्ट किए फ्रॉम द अथर्ववेदा, उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। 8 साल के कहते हैं रिग्रस तप और रिसर्च के बाद जो कि उन्होंने आज के कर्नाटका के चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगिरी के जंगलों में उन्होंने किया था, और वहां उन्होंने वैदिक मैथ्स के 16 सूत्र को रीडिस्कवर किया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था। कहते हैं उन्होंने 16 अलग अलग वॉल्यूम्स उन 16 सूत्र के लिए लिखा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो नष्ट हो गया किसी वजह से। जो आज हमारे पास अवेलेबल है वो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में मेमोरी बेस्ड उन्होंने एक बुक में उसको लिख दिया था। तो स्वामी जी के उपलब्धियों के बारे में, स्वामी जी के जीवन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग वैदिक मैथ्स पे बात कर रहे हैं। तो वैदिक मैथ्स कहां से आया, वैदिक मैथ्स की उत्पत्ति क्या है, ये तो क्लियर है कि वो अथर्ववेद से लिया गया। अगर अभी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें अथर्ववेद में, तो वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे अलग अलग वर्ड्स, टर्म्स, फॉर्मूले, सूत्र जो स्कैटर्ड वे में थे, उनको स्वामी जी ने रिकंस्ट्रक्ट किया, रीडिस्कवर करके इस सिंपल 16 फॉर्मूले एंड 13 सब सूत्र में संकलित किया हुआ है। अगर हम लोग 16 सूत्रास की बात करते हैं, तो वह एकाधिकेन पूर्वेन से शुरू होता है, जो पहला सूत्र है, और आखिरी सूत्र है गुणक समुच्चय। और अगर सब सूत्रास की बात करते हैं तो वो 13 है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। अनुरूपेन से शुरू होकर के आखिरी जो सब सूत्र है वह है गुणित समुच्चय, समुच्चय गुणित। तो ये सूत्रास है जिस पर आधारित है हमारा वैदिक मैथ। अब हम लोग वैदिक मैथ्स से, अब इस वैदिक मैथ्स में है क्या, किस पे बेस्ड है, ये हमने देख लिया। क्या सूत्र है, क्या वेद कनेक्शन है, क्या इंडियन कनेक्शन है, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब इस वैदिक मैथ्स के सहारे हम लोग प्योर मैथ्स एज वेल एज अप्लाइड मैथ्स की ऑलमोस्ट चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, फैक्टराइजेशन, HCF, सिंपल इक्वेशंस, मर्जर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्शियल फ्रैक्शंस, स्ट्रेट डिवीजन, रिकरिंग डेसिमल, द वैदिक न्यूमेरिकल कोड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पाइथागोरस थ्योरम्स, क्यूब रूट्स, स्क्वेयर रूट्स, एनालिटिकल कोनिक्स, अपोलिनियस थ्योरम, सम एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स, और तमाम तरह के मैथ्स हम लोग वैदिक मैथ्स के सहारे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जो मिसकंसेप्शन है कि वैदिक मैथ्स सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे एक बहुत ऊपर की चीज है वैदिक मैथ्स। अब आपने देख लिया कि वैदिक मैथ्स होता क्या है। हमने इसके लिए फ्री कोर्सेज चलाए हुए हैं जो www.eglecture.com पे अवेलेबल है। वो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। फ्री मतलब फ्री है ये, और मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको शेयर करने में या लाइक करने में कोई कंजूसी करने वाले हैं। मिलते हैं फिर हम लोग फ्री कोर्सेज में, ठीक है।